कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारा नाम लिस्ट में है? मैं अपनी बेटी की शादी में आया हूँ। हाँ बिल्कुल, भुक्कड़ कहीं का। वैसे अपनी बेटी का नाम तो बता। जैसिका। जैसी, जैसी, हाय। वो जैसिका मेरी बेटी है। कोई जैसी, कोई बात नहीं। चौंक गई है ना? मैं इसे नहीं जानती, यहाँ से निकालो। चलो निकलो, तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ मैं, भुक्कड़ कहीं के। नहीं रुको, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना जैसी, वो मुझे पहचान नहीं पा रही। कहाँ ले जा रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ कोई स्ट्रेंजर था, मिस्टर कार्टर, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अरे नहीं, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनकर हमारी खुशी दुगनी हो गई। शुक्रिया। Cheers. 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 कुछ बहुत हुआ हुई है। चलो यहाँ से निकलो अभी। मेरे काम और यहाँ किसी को भी परेशान मत करना। हुई है। हे आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सर ये बदतमीज बिना इनविटेशन के शादी में घुस रहा था। बदतमीज? मैं आधा देश पार कर अपनी जेसिका को देखने आया हूँ। आपका नाम क्या है श्रीमान? जैक मैकफॉल। मैकफॉल, कहीं आपका जेसिका से कोई नाता तो नहीं? हाँ बिल्कुल, हमारा नाता है। ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है, पता नहीं था कि जेसिका का कोई रिश्तेदार भी है। उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। अनाथ? हाँ बिल्कुल, उसके परिवार का तो कोई भी नहीं है। लेकिन सोचने की बात है, शायद आप हो, ऐसा लगता है। आप सच में दुल्हन से मिलना चाहते हैं? जी सर, इस पल के लिए तो मैं बहुत दिनों से बेकरार हूँ। कोई बात नहीं सर, इनका नाम लिस्ट में नहीं है। शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं देखता हूँ। जेसिका ने शायद अपने रिश्तेदार को पहचाना नहीं होगा। शुक्रिया सर। जेस, ये मेरी शादी पक्का तोड़वा देंगे। देवियों और सज्जनों जरा ध्यान दीजिए, कार्टर परिवार वो परिवार है जिसका एक बहुत ही पुराना और इज्जतदार इतिहास है, और आज रात हमें इस परिवार की नई सदस्य जेसिका का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू। और ऐसे मौके पर मैं जिसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, ऐसे मेहमान से मिला। तो तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर जैक मैकफॉल का। सबको मेरा नमस्कार। अब मैं जैक मैकफॉल हूं और मैं मैं जेसिका का चाचा हूं। मैं नए जोड़े को और उसके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। चलिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या चाचा, ये हो क्या रहा है? ओह माय गॉड, कितना बड़ा सरप्राइज है मेरे चाचा जी। ओ ओ चाचा जी, आप यहाँ आ गए। ओह कितने दिनों बाद मिले आप, कैसे हैं? हमें कितनी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। हाँ चाचा ही हैं। डैड ये क्या है, आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तुमसे भी वही सवाल पूछने वाला हूँ। अनाथ, क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी ऊपर पहुँचा दिया? नहीं नहीं डैड, आपको नहीं, मेरा पास्ट। आपको क्या लगता है एक ट्रेलर पार्क की लड़की जिसके पैदा होते उसकी माँ ने छोड़ दिया और एक एक अपाहिज है, अपाहिज पिता ने पाला, वो यहाँ कैसे हो सकता है? सुनो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थी, इतनी मुश्किलों के बाद तुम क्या हो, उससे फर्क पड़ता है। नहीं नहीं डैड नहीं, इस परिवार और इस दुनिया में बने रहने के लिए मुझे किसी बहुत अमीर बैंकर की बेटी होना चाहिए था,
झूठ बोलने से तुम खुश नहीं हो सकती बेटा। डैड, सच बोलकर भी नहीं हो सकती। हमारे शहर में सब लोग मुझे जानते हैं। हमेशा सब लोग मुझे परेशान करते थे। फिर मैं यहाँ भाग आई और अपनी जिंदगी खुद बनाई मैंने यहाँ पे, और सब कुछ सही चल रहा था जब तक आप यहाँ पे नहीं आए। मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा बेटा। मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ पे रुके तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या मैं आंखें भर कर अपनी बेटी को दुल्हन बनता हुआ नहीं देख सकता? मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। जैसे बेटा, तुम्हारे चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे? माफी चाहूंगी, उन्हें जाना पड़ा। काश मैं उनसे मिलकर अच्छी तरह से बात कर पाता। दरअसल तुम्हारे चाचा को बिजनेस टूर की इतनी जल्दी थी कि वो तुम्हें तोहफा देना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, शायद तुम्हें इसे खोल के देखना चाहिए। क्यों नहीं। हाँ, मुझे माफ करना। क्या? हाँ, जरा देखो तो, छोटी सी राजकुमारी। और तुम्हारे पिताजी इसमें सेहतमंद है। लेकिन मुझे लगा कि जन्म से पहले ही उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें कुछ ना बताने का वादा किया था, लेकिन अब वक्त आ गया है। तुम क्या बोल रही हो? जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे घर में आग लगी थी। मेरे पिताजी ने सब देखा था और मुझे बताया था। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बचाया। उन्होंने तुम्हें जलते घर से बाहर निकाला और तुम्हें जलने से बचाया। 1998, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वो उस आग में बहुत बुरी तरह से जल गए और तब से कभी चल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने ये क्यों छुपाया मुझसे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम अपने आप को दोषी ठहराओ। वो तुम्हें बचाना चाहते थे इस दुख से, क्योंकि तुम बहुत छोटी थी। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, रुको, कहाँ जा रही हो? हे भगवान, मुझे और झूठ बोलना होगा फिर से। वैसे काफी देर से दुल्हन नजर नहीं आई। सारा, जैसिका कहाँ है? वो बाहर गई है, लेकिन जल्दी लौट आएगी, उम्मीद तो है। जैसिका, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पहले ही शर्मिंदा कर चुका हूँ। मैंने आपको शर्मिंदा किया है, और अब मैं सब ठीक कर दूंगी। डियर गेस्ट्स, मिस्टर और मिसेस कार्टर, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। वैसे जेस, हम तो पहले ही जैक से मिल नहीं, चुके नहीं, हैं। आप नहीं मिले। ये शख्स मेरे डैड हैं। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मुझे अपने बचपन के ट्रेलर पार्क से हमेशा शर्म आती थी, और मैंने अपने अपाहिज डैड को ठुकरा दिया, जबकि मुझे उन पर बहुत ज्यादा नाज होना चाहिए था। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी डैड। मैंने झूठ कहा, और मैं जानती हूँ अब कार्टर परिवार मुझे नहीं अपनाएगा।
मैं आपके परिवार के लायक नहीं हूं। ट्रेलर पार्क की लड़की ट्रेलर पार्क की लड़की ही रहती है, मुझे माफ करना। जैसे कहां जाने की सोच रही हो? मैंने बेमतलब तो तुम्हारे डैड को शादी का इनविटेशन नहीं भेजा होगा। तो आपने बुलाया इन्हें? मुझे शुरू से ही तुम्हारी बताई कहानी पर शक था, तो मुझे देखना था हमारे परिवार में कौन आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करने की ठान ली। लेकिन आपने ये पहले क्यों नहीं रोका? मैं तसल्ली करना चाहता था कि कार्टर नाम लेने वाली लड़की सच में अपने परिवार की इज्जत करना जानती है या नहीं। थैंक यू मिस्टर कार्टर। जैसी बेटा, परिवार का नाम परिवार को अच्छा परिवार नहीं बनाता, उसके लोग उसे अच्छा बनाते हैं। हाँ। समझ गई? अच्छी बच्ची। और मुझे एक घोषणा करनी है, अब वक्त आ गया है मेरे नए समधी के डांस का। मिस्टर जैक मैकफॉल और जेसिका कार्टर। Oh.